केमिकल क्रीमी चल भैया। देखो बच्चों देखो केमिकल क्रीमी कटा स्टार्ट हो रहा है। कल आप लोग नहीं आए थे, कोई बात नहीं है, मैं एक बार केपी केसी का वो रिलेशन डायरेक्ट बताया था, वो याद रखना ठीक है ना, उसी से सवाल आता है, उस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ। फिर आज पढ़ाऊंगा बेहतरीन चीज़ दैट इज नीच अटेलियस प्रिंसिपल, और उससे अच्छा चीज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सवाल कैसे बनाया जाता है, 50% डिसोसिएट किया 80% डिसोसिएट किया वो है ना, वो जल्दी से कर लेंगे तो हमारा फिजिकल 11th का फिनिश। फिर शुरू कर देंगे ऑर्गेनिक, समझ रहे हो, ऑर्गेनिक बढ़िया से पूरा कवर कराएंगे, अच्छा वाला पढ़ा देंगे। और एनसीईआरटी बुक पे ज़्यादा फोकस करना तुम लोग, अभी भी फिर बता रहा हूँ और मैं शुरू तक आखिरी तक कहता रहूँ, अब तुम लोग रेगुलर आने लगोगे तो फिर मैं नोट्स दे दूँगा ठीक है, समझा लेगा, फिर उसको भी बताऊँगा कैसे क्या करना है। तो बेटा केमिस्ट्री केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास एक फॉर्मूला था, वो है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। केपी एंड क्या बच्चों, इसके बीच का एक रिलेशन है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी डेल्टा एन जी। यहां पर केपी क्या बोला जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देयर इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट कॉन्स्टेंट ड्यू टू पार्शियल प्रेशर, क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, राइट। केसी का मतलब होगा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन मोल पर लीटर, राइट, मोलर कंसंट्रेशन। इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैस फेज माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैस में, अगर उसका अंतर होता है, क्लियर है। आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट या आइडियल गैस कॉन्स्टेंट, गैस कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर मोल पर केल्विन, राइट। अरे आया सामने कम तो रखो, केपी, अब आप यहाँ पे केपी और केसी से प्रॉब्लम बनाना शुरू करेंगे। टी इज द टेम्परेचर जो केल्विन में होगा, टेम्परेचर केपी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। मैं उसके सवाल बता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे आया, ठीक है, लिख चुके हो तुम लोग, लिख चुके हो, ये लिख चुके हो, जल्दी करो तो क्रैक पड़ो, जल्दी करो फटाफट। जल्दी जल्दी कर लो बेटा, यस yes.
प्रॉब्लम बनाते हैं हम लोग यहाँ पर सिक्स शो द रिलेशन between KP and KC for पहला डेल्टा एन जी की वैल्यू अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, इसके लिए इक्वेशन लेंगे एच आई दो मोल एच आई गैस की अवस्था में और यहां पे एच टू हो जाएगा बेटा गैसेस स्टेट में और आयोडीन बी हो जाएगा हमारा गैसेस स्टेट में, ठीक है। अरे समझे, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन गैस फेज कितना है, ये रिएक्टेंट है ना, दो मोल है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैस फेज कितना है, तो तुम बताओ डेल्टा एनजी कितना है, आगे समझो। तो ऐसे हालत में के पी इज इक्वल टू तुम क्या लिखने वाले हो, के सी इंटू आर टी का पावर क्या हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू तुम्हारी यूनिटी हो गई, अरे वन हो गई ना, किसी भी चीज का पावर बेटा एक्स का पावर अगर जीरो तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बड़े हो गए तुम लोग। अब यहाँ पे ये रिलेशन क्या हो जाएगा, के पी सर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे कि कोई दिक्कत है, यहीं पे अगर हम तुम लोग से सवाल करें के पी माइनस के सी इक्वल टू जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा या लेस देन जीरो होगा, तो आंसर क्या दोगे, सरदार ये अगर रिलेशन पूछे और ये दोनों बराबर है तो जीरो ही आएगा, तो परेशानी क्या बात है। अगर ये पूछेंगे बताओ इस रिलेशन के लिए क्या ये बात सही है, KP अपन KC इक्वल टू 1, ये बात सही है गलत है बोलो ना, तो ये सब बात याद रखना है, समझ आ रही है बात, नहीं आ रहा समझ में। सेकंड केस होगा डेल्टा एनजी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कहां पर होगा तुमको देखने के लिए, सर अगर जैसे सपोज करो यू हैव द रिएक्शन दैट इज NH3 गैस ऑलरेडी कंपोज हो गया 3 मोल H2 गैस और किसमें N2 गैस, तो N की वैल्यू यहां पे कितनी है, N की वैल्यू यहां कितनी है, तो टोटल कितना हो गया डेल्टा एनजी कितना निकल के आया तुम्हारा 4 माइनस 2 दैट इज प्लस 2 और माइनस 2, सो वी हैव द रिलेशन KP इक्वल टू क्या हो जाएगा, KC R P का पावर क्या हो जाएगा, कैन आई राइट KP, ध्यान से देखना KP माइनस KC अगर हम लिखना चाहें तो क्या हो सकता है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 या इक्वल टू 0 बताओ, तो चूंकि KP में ये वैल्यू पॉजिटिव है तो KP की वैल्यू ज्यादा होगी ना, तो यहां पर एक तरह से KP हमारा ग्रेटर देन KC है तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू डिफरेंस ग्रेटर देन आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, सो द आंसर इज दिस इज रॉन्ग, क्लियर, यही होता अगर इसी केस में KC माइनस KP अगर लेस देन 0 होता तो ये सही था कि नहीं सही था, क्या ये बात सही है, तो सर इसके लिए KP इक्वल टू KC RT का स्क्वायर या फिर KC इक्वल टू KP RT का माइनस 2, बस हम समझ में आ रहा है ये बात सही गलत है, अरे सरदार KC बराबर क्या हो जाएगा, KC RT स्क्वायर बराबर KP हो जाएगा बोलो, सो KC इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP अपन RT का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सो KC इक्वल टू क्या हो जाएगा, KP और RT का वैल्यू ऊपर जाएगा तो माइनस टू होगा कि नहीं होगा, तो सही नहीं है क्या, नहीं सही, अरे यार तो वही है मान के चलना, तो सरदार बन रहा है थोड़ा, ठीक है समझ आ रहा है, चलो जल्दी समझ गया ना, तार फटाफट फिर भी साहब Thank you.
किधर हो रही है उसका भी पता चलता है, रिएक्शन कितनी हो रही है उसका भी पता चलता है, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन कितना हुआ उसका भी पता करते हैं। तो उसमें एक टर्म आता है रिएक्शन क्वोशेंट, क्या आता है बोलो, क्यू जिसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है। तो इक्विलिब्रियम से आपको किन किन बातों की जानकारी मिल रही है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो हमें समझना है, ठीक है, नोट कर लीजिए।
कॉपी खोलो फटाफट, हेडिंग दो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, बेटा ना देखो तो जल्दी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फटाफट लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी करो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहला पॉइंट लिख लो जल्दी से फटाफट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट either kp or kc doesn't depends on initial concentration of reactant. Next point, if the reaction is second point likho, if the reaction is reversed, the value of equilibrium constant is reciprocated. इसके क्या हो जाएगा, बोर्ड पर देखो, इधर देखो, मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है ए प्लस बी, एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और ये प्रोडक्ट सी बना रहा है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बाय द वे के इक्विलिब्रियम बराबर के वन है, कितना है बोलो, क्लियर है, हमने इस रिएक्शन को क्या किया रिवर्स कर दिया, यानी सी इधर ले आए तो ए प्लस बी हम इधर लेके गए, सो दिस इज म्यू के इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू व्हाट रेसिप्रोकल, यानी पहले का क्या हो जाएगा 1/2, कोई दिक्कत है नो सर। अब आ जाइए नेक्स्ट, व्हेन मोर देन व्हेन अ सेम रिएक्शन अकर्स इन मोर देन वन स्टेप, या फिर अगर क्या हो रिएक्शन वन में अगर आपके पास ए प्लस बी है और ये प्रोडक्ट सी बना रहा है, अगर आप इसमें एन मोल से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर एन, यहां पर एन, यहां पर, तो उसका जो न्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो भी हमारा ए वन में क्या हो जाएगा एन से उसका पावर बन जाएगा, दैट बिकम्स द पावर नंबर एट, नहीं आया समझ में, अगर आप इसी रिएक्शन को डिवाइड कर देंगे, ए प्लस बी है इसको एन से डिवाइड कर देंगे अगर, तो फिर ये पावर भी हम उसी तरीके से चेंज करेंगे और जो हमारा के इक्विलिब्रियम है ये हो जाएगा के टू का पावर या के वन का 1/n, हमारे नहीं समझ, अगर यही रिएक्शन मोर देन वन स्टेप में हो रहा, बाय द वे एक रिएक्शन ए से बी हो रहा है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वन है, फिर बी से सी में हो रहा है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टू है, अगर सी से डी में हो रहा है और उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्री है, और तब अगर आपसे पूछा जाए कि ए से डी में जब होगा तो क्या होगा, ए डैश इज इक्वल टू व्हाट, सो व्हाट शुड बी योर आंसर, आपका आंसर हो जाएगा सर के डैश इज इक्वल टू के वन इंटू के टू इंटू के थ्री, कंसेप्ट समझ आया नहीं आया समझ में। अब एक चीज और देखो, यहीं पर हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं, रुक जाओ, हमने बीच वाले इस रिएक्शन को क्या कर दिया कि सी इधर लिख दिया और बी इधर लिख दिया, तब मैंने बोला कि ये के टू है और तब मैं पूछ रहा हूं कि ए से बी बनाने में कितना होगा, तो ये तो कटना चाहिए ना, यस सर, तो इस रिएक्शन को हम रिवर्स कर देंगे, बोलो, जब रिवर्स करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/k2 हो जाएगा, राइट, तो अब ये तुम्हारा आंसर आएगा नया वाला, जब हम रिवर्स कर देंगे तब इनका मैच k डैश बराबर k1 इनटू 1/k2 इनटू k3, आगे समझ में, सीख गए तुम लोग, नहीं आ समझ में रैंडम पीस नोट करो फिर आगे।
प्रिंसिपल दुनिया को बदल स्टाफ का नेचर कोई सफाई का ध्यान नहीं सर सर सब मिला कर दिया इंजॉय करने का नाम नहीं है एक्स्ट्रा काम खराब हो जा रहा है हमको एरिया थोड़ा सा इधर लाना होगा अब सही बड़ा क्लियर है यहाँ तक कोई दिक्कत है इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लीजिएगा ध्यान ठीक है ना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कॉन्सेप्ट सीखो कि हाँ यार ऐसे सवाल कैसे बनाया जाता है बस ओके यही आएगा ध्यान में तो मैंने ज्यादा ही बता दिया बहुत आसान आसान सवाल आ रहे हैं बस करते चलिए आप सब कुछ आना चाहिए आपको चलिए आगे बढ़े अगला हेडिंग दीजिए आप सभी लोग एक चीज याद रखना हमेशा तुम लोग कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड जो है प्योर लिक्विड हमेशा 1 लिया जाता है ये बता चुका हूँ चलिए आगे बढ़िए फटाफट बिना डिले के यूनिट यूनिट कल डिस्कस कर चुके थे हम लिखो बेटा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हेडिंग दो सबको एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगला टॉपिक है हमारा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट प्लीज राइट डाउन एवरीबॉडी एप्लीकेशन ऑफ क्या बेटा इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट राइट डाउन प्लीज पहला लिखिए प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन predict the extent of a reaction on the basis of its magnitude predict the mane ye madad karta hai predict the extent of reaction on the basis of its magnitude matlab sir niche likh lo jaise ye a se b ko equilibrium reaction hai aur iske equilibrium constant ki value k1 barabar 10 to the power minus 4 hai और दूसरा रिएक्शन है सी से डी और उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मान लो दिया हुआ है 10 का पावर माइनस 2 बोलो तो क्या पूछ रहा है प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ये रिएक्शन कितना हुआ फॉरवर्ड या बैकवर्ड या ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा यार यहाँ पे आपको बताना ये चीज देख करके के की वैल्यू डिसाइड करके बी ज्यादा बन रहा है या डी बन रहा है तो लिख लो तो जरा सा इक्विलिब्रियम से स्पीड भी पता चल जाता है तो बताओ कौन सा रिएक्शन ऐसा है जो कंप्लीट होने जा रहा है तो एस एस के इंक्रीजेस मेरा मतलब इक्विलिब्रियम इंक्रीजेस रिएक्शन नियरली कंप्लीटेड नियरली कंप्लीटेड आगे समझ में तो बताओ ए और बी में कौन सा रिएक्शन है जो कंप्लीट होने की तरफ जा रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला ये मान लो ये फर्स्ट है और ये वाला हमारा सेकंड है तो ये वाला रिएक्शन सेकंड रिएक्शन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होने जा रहा है हेंस यहाँ पे हम लिखेंगे कि रिएक्शन सेकंड इज नियरली कंप्लीटेड अब ये समझे नियरली कंप्लीटेड लिख लो जल्दी से उतार लो ऐसे लिखो राउंड अप ऐसे आगे हम ध्यान में
एक चीज़ और समझाना चाहूँगा मैं तुम लोग को यहाँ पे, वो बात पॉइंट कर दो अभी इसी में आ रहा है। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो बता रहा है कितना होगा, फॉरवर्ड होगा क्या बैकवर्ड होगा या इक्विलिब्रियम में होगा, ये बात तुम्हें बिठा दूँ सर। सुनो, अगर कुछ ऐसा सवाल आ जाए, अभी हम लोग पहले पॉइंट पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम तीन तरह से पढ़ा जाएगा। के इक्विलिब्रियम तीन बात बताएगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन और दूसरा, एक तो एक्सटेंट ऑफ मैग्नीट्यूड से पता चल गया, दूसरा डायरेक्शन से पता चल गया, तीसरा अमाउंट से पता चल गया कितना। नहीं आया समझ में? तो पहला पॉइंट हम अभी क्लियर कर रहे हैं, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी समझ में आ रही है बात। देखो कैसे, यह है मुझे, यह रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम का वैल्यू अलग अलग आ रहा है। अब यहाँ पर अब ये की वैल्यू दे रहा है के सी या के पी मोटे इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे ले लेते हैं, अगर इसकी वैल्यू 10^-3 होगी तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 10^3 या उससे ज़्यादा होगी तो क्या होगा, और अगर 10^-3 और इसके बीच होगी तो क्या होगी, अगर ये 1 भी हो तो क्या होगा। ये इन बिटवीन अगर हो 10^-3 to 10^+3 तो क्या होगा, 3 केस हो गया, एक ये और एक ये, किस चीज़ का वैल्यू है के तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो है अभी डोमिनेट कर रहा है, यानी प्रोडक्ट इज मोर देन द रिएक्टेंट। यहाँ पर मतलब हुआ कि रिएक्टेंट इज लेस देन द प्रोडक्ट, समझ आ रहा है? सॉरी हाँ सही है, यहाँ गलत बोल दिए, रिएक्टेंट इज मोर देन द प्रोडक्ट, और यहाँ पे हो जाएगा प्रोडक्ट इज मोर देन द रिएक्टेंट, और यहाँ पे दोनों का अमाउंट लगभग लगभग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा सेम होगा इस केस में, कंसेप्ट समझ आ गया। तो ये वैल्यू गिवन हुई थी, वहां से देख के तुम आराम से बता सकते हो। अब इसे का क्वेश्चन अभी मैं देख के दे रहा हूँ, लिखो पहले बता रहा हूँ, जल्दी करो फटाफट जल्दी करो, अभी दे रहा हूँ क्वेश्चन। अगर मान लो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाए तब वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा पूरी तरह से, समझ में आ रहा है? चलो बता आंसर ऊपर वाले में क्या होगा, ऊपर वाला दोनों रिएक्शन को देखते हैं, मतलब इस ऊपर वाले में क्या 57 है, 57 कहां पर आएगा, यहां पर आएगा ये यहां से यहां तक के बीच आएगा, बोलो ना ये 57 यहां पर आएगा, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, डोमिनेट तो नहीं किया लेकिन हर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट हमारा ज्यादा बन रहा है इन कंपैरिजन टू रिएक्टेंट। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट हमारा ज्यादा है प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, उधर ही है, बोलो ना सर। यहाँ समझ ये वाला हमें एक्चुअली नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि उसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है समझा, क्योंकि अगर वो हम दिखाएंगे तो रेंज हो गया ना फिर, तो ये रहेगा। चलो आगे बढ़े, अगला सेकंड टॉपिक डायरेक्शन, लिखो इक्विलिब्रियम टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम टेल्स अबाउट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। डायरेक्शन ऑफ क्या रिएक्शन, दूसरा क्या होगा, इट इज डिसाइडेड बाय रिएक्शन क्वेश्चन, लिख लो इट इज डिसाइडेड बाय रिएक्शन क्वेश्चन, इट इज डिसाइडेड बाय डायरेक्शन की बात करनी है, कितना बना उसका मतलब नहीं है, फॉरवर्ड है क्या बैकवर्ड है या इक्विलिब्रियम में, बस इतना बोलना है।
तो प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इट इज डिसाइडेड बाय रिएक्शन क्वेश्चन, इट इज डिसाइडेड बाय सेकंड एप्लीकेशन है डिसाइडेड बाय रिएक्शन क्वेश्चन, रिएक्शन क्वेश्चन दैट इज क्यू, उससे डिसाइड होगा बेटा, डिसाइडेड बाय रिएक्शन क्वेश्चन। बोलो भाई, अब मान लीजिए आपके पास ये रिएक्शन है, देखिए इधर ए और ये प्रोडक्ट है बेटा, ध्यान दो, के इक्विलिब्रियम बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी डिवाइडेड बाई ए का पावर ए हो गया, राइट, ठीक है, ये क्यों नहीं निकलेगा, यू नॉट राइट क्यू, मुझे नहीं मालूम रिएक्शन इक्विलिब्रियम है कि नहीं, आई डोंट नो, हमें निकालेंगे यहां से रिएक्शन क्वेश्चन क्यों निकाला जाएगा, क्या निकाला जाएगा, और के हर रिएक्शन का फिक्स होता है, के इक्विलिब्रियम हमें पहले से मालूम होता है, क्लियर है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर, डोंट वरी, हर पर्टिकुलर रिएक्शन का के दिया रहेगा। तो ऐसे हालत में अगर आपको वैल्यू कंपेयर करेंगे, आप क्यू की वैल्यू निकालिएगा, वैसे ही कंसंट्रेशन दिया रहेगा मोल पर लीटर ये वैल्यू रख के, और के की वैल्यू दी जाएगी, इससे कंपेयर कीजिएगा, अगर क्यू की वैल्यू कम आ गई के इक्विलिब्रियम से, क्यू की वैल्यू कम आ गई किससे, के इक्विलिब्रियम से, इस तरह से एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये आ जाएगा हमारा के इक्विलिब्रियम केसी या केपी और ये क्यू आ गया, तो जान जाना ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर सेकंड केस, और अगर क्यू तुम्हारा किसके बराबर हो जाए, के इक्विलिब्रियम के, दोनों बराबर हो जाए क्यू और के, इसका मतलब रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम। और तीसरा आ जाए कि क्यू जो है तुम्हारा वो ग्रेटर देन के हो जाए, के इक्विलिब्रियम हो जाए, इसका मतलब ये हुआ कि सर अब क्यू ज्यादा है, क्यों ज्यादा है, के कम है, बोलो, रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, फेल कर रहा हूं, बस इतना ही बताना है वैल्यू निकाल के, क्लियर हो गया, तो तीन बात हो गई ना, तो पहली बात क्या थी, एक्सटेंट वैल्यू देख के बताना है, दूसरी बात की दिशा बतानी है किधर होगा, और तीसरी बात लिख लो जल्दी से फटाफट, उतार लो पहले फिर बता, तीसरी बात भी लिख लो, सब एनसीईआरटी में डाटा गिवन है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना तुम लोग, और एनसीईआरटी का ही सवाल बनाना, ये सुन लो आज, आज इधर उधर के सवाल मत बनाना, एनसीईआरटी जिंदाबाद, फिजिकल के लिए एनसीईआरटी जिंदाबाद, याद रखना, पढ़ो आगे बेटा, बहुत बढ़िया, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोर्ड पर, तीसरा मदद करेगा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकालने में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, सही कैसे निकलेगा, उसके लिए सबसे पहले एक टर्म सिखाऊंगा जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्या लिखिए, ये जो जान लिया वो सवाल पूरा बना लेगा, डिग्री ऑफ बताओ डिसोसिएशन, इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा, क्या बोलते हैं बोलो, ये होता है
अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एसोसिएटेड, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल इनिशियल अमाउंट, टोटल क्या इनिशियल अमाउंट टेकन, राइट? बोलो यार, यहां समझ में? ये अल्फा ऑलवेज परसेंटेज में निकाला जाता है, इसलिए यहां पे हम क्या करेंगे, इनको 100 कर देंगे तो ये किसमें निकल जाएगा, परसेंटेज। बात समझ में आ गई? अब निकालते कैसे ये मुझे आपको समझाना है, ये मजेदार टॉपिक है, चलिए सीखिए, मजा लीजिए आप बेटा। तो ये चलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ, सुनिए, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इसी को सिखाना है मुझे। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ देखिए ध्यान से सभी लोग। मान लीजिए मेरे पास ये कोई एसिड है, पानी में डाला और ये डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएट होने के बाद हम मेन काम पे आ जाते हैं, ये कांस्टेंट माना जाता है। तो HA का इनिशियल कंसंट्रेशन जब टाइम जीरो था तो इसका कंसंट्रेशन था C, कितना था मतलब ये A मान लेते हैं, चलो नॉट C, A मान लेते हैं, शुरू में A अमाउंट था, C मान लो, ये मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रिएक्शन इस तरीके से है और ये बनेगा H3O प्लस और ये माइनस बनाएगा एक्वेशन, राइट? ऐसे टूट रहा है मतलब, ये भी नहीं देखना चाहते हो एसिड बेस तो आसान लाइन में देखो, यहाँ हटा दो। इससे भी हल्का सवाल ले लो, तुम्हारे पास 2A है और 3B है और यहाँ पे 4C है, ऐसे दिया हुआ है एग्जाम में, ये बैलेंस रिएक्शन है, क्या बोलो? मुझे KC या KP की वैल्यू निकालनी है, लेकिन बात वो नहीं है, बात कुछ और है कि ऐसे वैल्यू दिया हुआ है कि टाइम जब जीरो था यानी इनिशियल कंसंट्रेशन जिसको कहा जाता है वो इसकी वैल्यू की वैल्यू। ओए हीरो से यार, इसकी वैल्यू गिवन है मान लो A और इसकी वैल्यू गिवन है B, उस वक्त ये क्या बनेगा? जीरो। थोड़ी देर के बाद एट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम, अच्छे से बताओ, मैंने पढ़ाया था कि कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होगा जब वो होना शुरू होगा और कंटेनर क्लोज होगा तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑटोमेटिक थोड़ी देर के बाद किस में आ जाएगा, उसकी फितरत में है, उसका फितरत है, बोलो फितरत है कि नहीं? तो ये ध्यान में रखना है, वो आना ही आना है तुम्हारे, तुम मतलब अगर सेम सिचुएशन रख लो तो थोड़ी देर के बाद फौरन आ जाएगा, राइट? अभी भी 100% रिएक्शन कंप्लीट नहीं है, अब देखो खेल शुरू हो रहा है, टाई एट इक्विलिब्रियम पे कुछ तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा, तो सुनना, A में से अब टूटने का तरीका, कुछ X अमाउंट टूटा, X मोल टूटा, अब वो X जब टूटा तो उसको कैसे लिखोगे, तो भाई रिएक्टेंट है तो टूटेगा, वो मुझे तुमको सिखाना है, इधर आप एकदम हटना नहीं चाहिए, वो मुझे सिखाना है, मैं जो लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ वो तुमको सीखना है। A इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, A इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन किसका, ऑफ A, बी इज द किसका, क्लियर है? अब आ जाते A में से कुछ जो टूटा वो है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड X, क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड, नॉट ओनली एक्स, जितना से टूटेगा उतनी से ये भी टूट गया तब बनेगा वो प्रोडक्ट, तो टूटेगा इक्वल अमाउंट में, बट लिखेंगे ऐसे, एक्स जब टूटा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, ये लफड़ाई खत्म कर देते हैं, बोलो भी स्मार्ट बन रहा है ज्यादा, अब समझ में आ गया, मैंने कुछ मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, N1X हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से यहाँ पर b माइनस n2x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? उसी तरीके से n3x बनेगा कि नहीं बनेगा? x क्या है तुम्हारा, ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है या x सिर्फ तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड है बोलो ना, लेकिन n1 n2 क्या है, n1
n2 n3 क्या है बोलोगे इसे? s स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बोल जल्दी से a b एंड c रेस्पेक्टिवली कर सकते हैं नहीं ऐसा में यार लेकिन हमें तो इस वैल्यू को अल्फा में लिखनी है किसमें लिखनी है डिग्री में चेंज करना है तो अल्फा बराबर क्या होता है यहाँ पर अल्फा बराबर होता है अमाउंट डिसोसिएटेड बाय टोटल अमाउंट राइट अमाउंट तब देखो अमाउंट डिसोसिएटेड बाय टोटल अमाउंट एंड यस तो यार तुम देखो यहाँ पर जब तुम्हारा ए मोल था तो ए मोल में कितना टूटा था एन मोल एक्स तो एक मोल में कितना हो जाएगा एन मोल एक्स बाय ए एंड दिस इज कॉल्ड अल्फा समझना है नहीं आया समझ में तो क्या मैं जब यहाँ लिखना शुरू करूंगा तो मैं लिखूंगा ना सर की अल्फा बराबर होगा एन वन एक्स बाई ए सो एन वन एक्स की जगह अल्फा ए आई कैन राइट और नॉट यही की पॉइंट है इस चैप्टर का यही मास्टरमाइंड है इस पूरे सिलेबस का यही हम लोग बच्चों को क्रैश कोर्स में हम लोग यही पढ़ाते हैं एक दिन में जहाँ पढ़ाना होता है और यहीं से सवाल है उसी तरह यहाँ निकालते होता हूँ अल्फा बराबर एन वन एक्स डिवाइडेड बाई ए पी हम राइट मियाँ समझ में यार उसी तरीके से एन थ्री एक्स इसका इनिशियल मोल जीरो है तो यहाँ कैसे लिखेंगे सर कुछ नहीं लिखेंगे सीधे अल्फा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा एन थ्री एक्स बराबर अल्फा इंटू जो भी वट एवर द वैल्यूज गिवन दैट इज रिटन हियर वो अल्फा की वैल्यू हम पुट कर देंगे एक्स के जगह पर समझ में आ गई बात समझ आ रहा नहीं आ रहा है वहां से निकल जाएगा सवाल हमारा अब ये फाइनली जब ये अल्फा ए हुआ ये अल्फा हुआ तो ये एन थ्री अल्फा हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलो सीधा सीधी बात समझ आ रहा ना नहीं आ रहा अब जब लिखेगा तो आपके पास फाइनल ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में इक्वेशन अब इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे ए के लिए रिएक्टेंट ए के लिए सर ए माइनस अल्फा ए बी के लिए सर हम लिखेंगे बी माइनस अल्फा बी और सी के लिए लिखेंगे एन थ्री अल्फा राइट तो सवाल दो तरह से दिया रहेगा अगर अल्फा दिया रहेगा तो अल्फा इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज 20% 80% 30% और अगर अल्फा नहीं दिया है तो फिर नंबर ऑफ मोल्स दिया रहेगा कुछ पल्ला पड़ा इसीलिए न्यूमेरिकल में जो बच्चा ये बात समझता है कि नंबर ऑफ मोल्स दिया है कि अल्फा दिया है वो प्रेशर भी मोल्स की जगह जो लिखे हो तो वहां पर एटमोसफेयर प्रेशर भी हो सकता है पार्शियल प्रेशर भी हो सकता है डोंट वरी लेकिन अल्फा हमेशा 20-30-40% ऐसे दिया रहेगा हमारी बात समझ में आ रही है तो अब ये जो कॉन्सेप्ट इस पे रखे हो तो फाइनली आपका सारा सवाल इससे बन जाएगा ए अल्फा बराबर एन इंटू एक्स अब ये मास्टर माइंड ये की पॉइंट है ये रामबाण है इससे सारा सवाल आपका बन जाएगा बस मतलब मालूम होना चाहिए दिस इज द इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ रिएक्टेंट दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दिस इज द स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू ऑफ रिएक्टेंट स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एंड दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड बोलो आगे समझ में ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कैसे बनेगा हमें बता रहा है ये हमेशा अल्फा किस में होना चाहिए परसेंटेज बता दो सारी बात लिखना दाएं बाएं सब जितना लिखना है
क्वेश्चन बनाते ये था एप्लीकेशन अभी दे देंगे और इस पर क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन लिखो तो देखो बड़ा क्वेश्चन, एक क्लोज कंटेनर है, क्या है बोलो? क्लोज कंटेनर। इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर, कितना है? 2 लीटर। और इसमें PCl5 हमारा गैस के अवस्था में है और ये टूट रहा है, इसमें टूट रहा है और Cl2 में, ठीक है समझा दे। इनिशियली इसका A बराबर लिया गया है 2 मोल, समझ रहे हो सारी बात मेरी भाषा। इनिशियल मोल कितना दिया हुआ है, ये का मतलब इनिशियल होता है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं। और इसका अल्फा जो टूटने का डिग्री ऑफ डिसोसिएट कर रहा है ना, एसोसिएट कर रहा है, बोलो जल्दी से। 40% दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो? 40% दिया हुआ है, मजे आ गए, बात समझ आ गई सबको। आगे बढ़ा जाए, कैलकुलेट कह रहा है कैलकुलेट इक्विलिब्रियम, केसी क्या होगा इसका, इसका केसी निकाल के बताओ कितना होगा। तैयार एक काम करते हैं, आराम से समझो, दिस इज माय क्वेश्चन। यहाँ पर PCl5 आपका गैसेस स्टेट में है, कोई दिक्कत नहीं है, PCl3 गैस में बदल लिया मैंने और Cl2 ले लिया मैंने गैस में, राइट? क्या आपको नंबर मोल्स मालूम है, यहाँ पे कितना है बैलेंसिंग? स्टोइकोमेट्रिक वैल्यू सबका 111 आ गया, कोई लफड़ा नहीं है। नियम क्या कहता है, जब टाइम हमारा 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कितना मोल है PCl5 का? 2 बोला सर। तो बेटा कंसंट्रेशन अगर तुमको मैं बोलूं निकालो तो C बराबर यानी कैसे निकालोगे, 2/2 करोगे तो 1m आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? एंड दिस इज आल्सो ए और नॉट, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम 2 लीटर का है कि नहीं है? कंसंट्रेशन कितना हो गया? 2/2, 1 mole/L हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है ना? तो ए की वैल्यू तो आई कितनी आ गई, 2 mole के जगह 1m, आई कैन राइट और नॉट? क्लियर है। अब हम आते हैं टी इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 - 1 × x? अरे एम एक्स बोलो ना, एम एक्स याद आएगा, भूल गए तुम लोग? उसी तरह से यहाँ पर आप जब आएंगे तो ये क्या बनने वाला है, 1 × x और नॉट? अरे बोलो ना यार, यहाँ भी 1 × x और नॉट, सही लिखा गलत लिखा है? और तुमने अभी देखा कि सर a(α)(n)x होता है, बोलो सर a की वैल्यू आपने 1m निकाली है, अल्फा सर आपने 40 बताया था, बोलो तो 40% का मतलब अल्फा का मतलब 1/100 डिवाइड करो तो 0.4 आने का नहीं आने का, इसका मतलब n की वैल्यू 1 × x आ गया कि नहीं आ गया? सो आई कैन राइट x = 0.4 और नॉट? यस सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 - 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर हमारा 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ पर हमारा 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के इक्विलिब्रियम बराबर दोनों का कंसंट्रेशन 0.4 × 0.4 आएगा कि नहीं आएगा? डिवाइडेड बाई 0.6 आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे समझिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, समझ में आया कि नहीं आया? 4 × 8 है, 0.8/3 आ जाएगा, बोल रहे यार उड़ गया सवाल। एक पॉइंट नोट कर, जो तरीका है उसको ध्यान देना है। इसी के लिए तुम लोग आए हो यहां पर, ये सीख लो अच्छे से।
ये आंसर। हो गया रिलेशन बिटवीन, अगला पॉइंट रिलेशन बिटवीन between gives free energy and equilibrium constant Q. इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, KC और KP कुछ भी दे सकते हैं आप, right? बोलो, let we have, एक हमारे पास एक relation है बेटा, equilibrium relation A C B, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, नॉट इक्विलिब्रियम, मैं इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहा हूं, ये एक तरह का क्या है, वी हैव रिवर्सिबल रिएक्शन, क्या बोलो, रिवर्सिबल रिएक्शन है जो सबके सब गैस के फेज में है, बोलो, रुको ना सुन लो, क्या मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मुझे क्या मालूम रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है या बैकवर्ड हो रहा है, मालूम है क्या तुम लोगों को, मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो रिवर्सिबल लिखा है, बोलो, तो इसका अकॉर्डिंग टू लोमा लॉ ऑफ मास एक्शन, जानते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड जो बराबर होता है, इक्विलिब्रियम का बताया था मैंने, एक बार चुका गुलबर्ग एंड बागे ने लॉ ऑफ मास एक्शन को दिया था, बोलो यहाँ पर क्यों निकलेगा रिएक्शन क्वेश्चन निकलेगा, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन क्वेश्चन, अभी बताया था क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन बताता है, क्यों बराबर हो जाएगा प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, बोलो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ऐसे लिखा जाता है, ये क्यों निकल गया, केमिस्ट्री में एक एनर्जी का रिलेशन होता है गिव्स फ्री एनर्जी बराबर स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी प्लस आर टी एल एन क्यू, क्या होता है बोलो, आर टी एल एन क्यू, ये हम कहीं से माप के लाए थोड़ी देर के लिए, मशीन है इसकी एनर्जी कितना उसे मेजर करेंगे, बस डेल्टा जी को स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोलते हैं, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बोलेंगे, राइट, ठीक है बच्चों, और ये ओनली गिव्स फ्री एनर्जी, राइट, रिएक्शन क्वेश्चन क्या बोलेंगे, रिएक्शन क्वेश्चन, क्लियर, अब आप क्या करेंगे, व्हेन द रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्यू सीधे किसमें बदल जाएगा, ये इक्विलिब्रियम है, तभी तो लिख रहे हैं क्यू की वैल्यू के इक्विलिब्रियम के बराबर होगी,
और डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। डेल्टा जी नॉट कभी जीरो नहीं होगा, नहीं होता। तो जब ये जीरो हो जाएगा तो ये वैल्यू इधर आएगी, तो माइनस में आ जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूँ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन इक्विलिब्रियम। नेचुरल लॉग, इसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, जब हटता है तो 2.303 लॉग बेस 10 आएगा, राइट? नहीं आसान, मैं लिखूं माइनस 2.303 आर टी लॉग क्या इक्विलिब्रियम। इज देयर एनी प्रॉब्लम और नॉट? बोलो ना। नो सर। अब एनर्जी दिया रहेगा तो उससे इक्विलिब्रियम निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? ऐसे निकल जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम आ गया, माइनस आ गया, यहाँ डेल्टा जी नॉट आ गया, डिवाइडेड बाय 2.303 आर टी आ गया। मान लीजिए ये वैल्यू आई उसी की आ गया, मान लीजिए वैल्यू आई 12.3, कितनी आई? मान लिया मैंने अपने तरफ से, तो आपको लिखना है कि सर जी अब के इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएगा एंटी लॉग, क्या हो जाएगा? 12.3 हो जाएगा, राइट? बोला आगे बढ़ते हैं। ये एंटी लॉग ही रहेगा, ये हो जाएगा लॉग 10 का पावर 12, तभी तो 12 आएगा। प्लस लॉग, लॉग 0.3 कितने की वैल्यू होती है? यस सर, दो की होती है। यस सर। तो यहाँ क्या करेंगे हम? लॉग ए इंटू बी को क्या लिखते हो? लॉग ए प्लस लॉग बी। तो ये लॉग बी, ये लॉग ए, क्या मैं लिख सकता हूँ एंटी लॉग इंटू लॉग 2 × 10^12? ये कट गया, आंसर आया 2 × 10^12। नहीं आए पर एक बार और बता दें, ये वैल्यू आप जो भी वैल्यू माइनस या प्लस में हो तुमको 10 का पावर बना देना है, मतलब लॉग के लॉग की वैल्यू होती है। वन से पहले पहले की अब फ्रैक्शन जो आएगा उसमें लॉग टेबल तुमको याद होना चाहिए कि लॉग 2 से लेकर के 9 तक की वैल्यू याद होनी चाहिए, वो मैंने लिखवा दिया। अच्छा है, नहीं लिखवाया हम लोग लॉग 2 को, नहीं इसलिए लिखवा दे रहा हूँ अभी पीएचएस स्केल में आएगा और जल्दी से शुरू हो जाए। लॉग 0 बराबर 1, लॉग 1 बराबर 0, लॉग 2 बराबर 0.3, लॉग 3 बराबर 0.48 याद आ रहा होगा, लॉग 4 बराबर 0.6, लॉग 5 बराबर 0.67, लॉग 6 बराबर 0.75, लॉग 7 बराबर 0.85, ये 7-8 होता है, ये 8-5 हो जाएगा। बोलो लॉग 8 बराबर, लॉग 8 बराबर 4 × 2 कर दोगे? बोलो लॉग 8 बराबर 4 × 2 होता है ना, तो ये लगभग लगभग 0.9 आ जाएगा, और लॉग 9 बराबर 0.95 आ जाएगा। बोलो और लॉग 10 बराबर 1 तो लिख दिया मैंने, आगे समझ में उतार लो फिर आगे बात जल्दी करो। लॉग 1 बराबर 0, लॉग 0 बराबर नहीं लॉग 1 बराबर 0 फ्लो फॉलो में लिखा गया, ये लॉग की वैल्यू है। किसकी है? लॉग। डन। इक्विलिब्रियम खत्म, खाली बस नीचे टेलर से रहेगा थोड़ा सा, कल वो करके आयनिक शुरू कर दो। कल कहाँ क्लास होगी? अगर होगी तब मैसेज तो दिया है नहीं, बट अगर इफ यू विल रिक्वेस्ट तो आपका पूरा हो जाएगा। कंटिन्यू अच्छा ये ऐसा है थोड़ा सा, ये ऐसे आ गया थोड़ा सा, मैं वीडियो घुमा के बनाता हूँ। हाँ ये तुम लोग देख रहे हैं ये 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 ये
ये हो गया भाई। अरे डन क्लियर है यहाँ तक और आगे बढ़िए। ये वैल्यू दे रही है यहाँ से आप आंसर निकाल सकते। अब हम लोग पढ़ेंगे लीच एट एलियर्स प्रिंसिपल की वेडिंग प्लेस। लीच एट एलियर्स प्रिंसिपल फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम हेडिंग दो फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या बेटा इक्विलिब्रियम फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या होता है कंसंट लिखो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दूसरा टेम्परेचर तीसरा प्रेशर चौथा कैटलिस्ट पांचवा कंसंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट टेम्परेचर प्रेशर एंड कैटलिस्ट राइट पांचवा इनर्ट गैस इनर्ट गैस एडिशन एडिशन इज राइट यस। ये सारा फैक्टर एक्सप्लेन होता है एक्सप्लेन बाय अ प्रिंसिपल कॉल्ड बताओ लीच एट एलियर्स क्या लीच एट एलियर्स
प्रिंसिपल डालो, फिर बताओगे ये प्रिंसिपल क्या है। ये प्रिंसिपल बिल्कुल गांधी जी वाले नियम पे काम करता है, बताऊंगा कैसे। लिखो पहले लिचेटेलियस एक ही है प्रिंसिपल, लिख लिया? अरे लिख लिया सर, उतार फिर बता रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल आता, बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है इसका, हल्के में मत लेना तो हो जाएगा काम खराब। बेटा इन्होंने क्या क्या पहले समझाना चाहता, लिचेटेलियस को समझिए। देखिए लिचेटेलियस ने क्या कहा, इनफैक्ट वो जाना लिखा था ना कि फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में मैं ऐसे हूं, बोलो सर। सामने छिपकली गिर रही है, सांप गिर गया, तो यह भाग हुआ ना ऐसे करके, फिर इक्विलिब्रियम गड़बड़ हो गया। नहीं आया समझ में, पढ़ाई गड़बड़ हो गई। ऐसे है मेरा, हमने हाथ को नीचे कर दिया, इक्विलिब्रियम गड़बड़ हो गया, तो दोबारा इक्विलिब्रियम में लाने का एक ही तरीका है, बोलो सर। या फिर ये अगर ऐसे हो गया तो इसको भी ला, अब इक्विलिब्रियम में आ गया। नहीं आया समझ में, लिचेटेलियस ने कहा कि अगर आप किसी के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किए हैं मार के, एक चाटा मारा आपके गाल पर, इक्विलिब्रियम बिगड़ गया, तो लिचेटेलियस ने कहा कि नहीं, दो तरीके हैं उससे माफ़ी मांगने का, या दोबारा उसको नॉर्मल करने के दो तरीके हैं, या तो वो भी आपके गाल पर मारे वैसे ही बढ़िया से, इधर आपने उसको मारा वो आपको भी मार दे तो बैलेंस हो गया, या जिधर मारा है अपने गलती से जाके फिर उधर सहलाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, उसका उल्टा करना है, बोलो ना। तो लिचेटेलियस ने कहा कि हम जब भी किसी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम गड़बड़ करेंगे या चेंज करेंगे तो उसका उल्टा सोचना होगा ताकि वो दोबारा इक्विलिब्रियम में आ जाए। सपोज आपने कोई चीज़ इक्विलिब्रियम में है और उसका रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दिया, तो बढ़ाने का उल्टा होना चाहिए कि वो घट जाए, समझ में आया? आपने घटा दिया तो उसका उल्टा बढ़ जाए, कैसे वो बढ़ जाए, समझा? नहीं आ समझ में, तो उल्टा इफेक्ट जब सोचोगे तो इक्विलिब्रियम का आंसर लिचेटेलियस का मिल जाएगा, समझा रहा? अब इन्होंने केमिस्ट्री में क्या बोला लिचेटेलियस ने, प्रिंसिपल क्या बोला वो सुन लो। अकॉर्डिंग टू लिचेटेलियस प्रिंसिपल द फैक्टर्स विच अल्टर द इक्विलिब्रियम direction of the reaction is again achieved or again maintained its original equilibrium in such a way, इस तरह से, in such a way that the applied factor is nullified, यानी जो काम आपने किया था उसका प्रभाव नलीफाई हो जाए, यानी जीरो हो जाए, वापस से संतुलित हो जाए, समझाया? नहीं आया समझ में, तो जो हमने देसी भाषा में समझाया वो मेन था। अब हम इसको मैं बोल देता हूँ, लिख लीजिए जल्दी से, दो लाइन एक लाइन में लिख लीजिए जल्दी से। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल अ चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स, a change in any of the factors that determine the equilibrium conditions, that determine the equilibrium conditions, that determine the equilibrium conditions of a system, of a system will cause the system to change in such a manner so as to reduce the effect of change, effect of kya beta bolo change, clear hai nahi clear hai, chalo usme sabse pehla effect kya hai, the first effect is रहने देते हैं, है ना? चलो ओके, थैंक यू।